हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स बाय सुनील खरब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सिंप्लीफिकेशन की एक और नई ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई कंपनी को बहुत तेजी से आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 17 × 5 कितना होता है, तो आप आसानी से जवाब दे देंगे। सही बच्चे बोलेंगे 85। ऐसे मैंने पूछा 18 × 5 क्या होता है, ये सभी को याद रहता है कितना होगा, 90। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे पूछा 138 × 5, तो आप माइंड में सोचने लगेंगे और ये कैलकुलेशन बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछता हूँ 138 × 25, कुछ बच्चे 25 की टेबल पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने लिखा 138 × 125, तो ये बहुत ही लंबा होता चला जाएगा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप विद इन 2-3 सेकेंड आप दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रिक। तो बच्चे इसका लॉजिक भी मैं आपको साथ के साथ समझाऊंगा। पहले आप ट्रिक देखिए, फिर इसका लॉजिक देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको 88 को 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कुछ नहीं करना बच्चे, 88 के बाद 0 लगाओ, इसका हाफ करना है, आंसर कितना 440। थोड़ी देर के बाद आप इसको ओरली कर पाएंगे, तो किसी भी नंबर को अगर 5 से गुणा करनी है तो आपको करना क्या है, उसके पीछे 0 लगाइए और उसका हाफ कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको मल्टीप्लाई करनी थी 86 की और 5 की, तो क्या करना है बच्चे, इसके पीछे 0 लगाइए और इसका हाफ कर दीजिए, तो आंसर कितना होगा आपका 430। अब इसके आप ओरली आंसर दे पाएंगे बिल्कुल बिना लिखे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आपको 74 की 5 से गुना करनी है, अब आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो 74 के बाद में 0 लगाएंगे, 74 के बाद में 0, 740 का आधा करेंगे बच्चे, 700 का आधा 350 और 40 का आधा कितना 20, तो आंसर कितना डायरेक्ट 370। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मल्टीप्लाई करनी है 66 की और 5, जल्दी से आंसर बोलिए, कुछ नहीं करना है, इसके बाद में 0 लगानी है, 66 के बाद में 0 लगाएंगे, 660 उसका आधा कर देना है, 660 का आधा कितना भाई 330। अब इसका मैं लॉजिक समझाता हूं, तो ये आपको याद हो गया होगा, किसी नंबर को 5 से गुणा करनी है तो क्या होता है, उसके बाद में 1 शून्य लगाइए और उसका हाफ कर दीजिए। ऐसा होता क्यों है, जैसे मैंने कहा 88 को 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो बच्चे आप 5 को लिख पाएंगे ना 10/2, लिख सकते हैं भाई 10/2, तो वही बात है ना, इसके पीछे 0 लगाइए उसका क्या कर दिया हाफ। तो मैथ लॉजिकल चलेगा और मैथ सीखने की चीज है, रटने की चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जाना कैसे किसी भी नंबर को 5 से गुणा करनी है, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर के पीछे 1 0 लगाते हैं और उसका आधा कर देते हैं। तो इसी प्रकार किसी नंबर को 25 से गुणा करनी है, 125 से गुणा करनी है या 625 से गुणा करनी है, वो भी सीखते हैं, कंसेप्ट सेम है। तो आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 88 और 25 की गुणा करते हैं। कई बच्चों को लगेगा कि 25 की टेबल मुझे आती है, तो इससे मैं इसको बहुत ही जल्दी निकाल पाऊंगा, लेकिन जैसे अब 625 की बात आएगी, 125 की बात आएगी, उसकी टेबल तो आपको नहीं आती होगी, तो आप मेरे वाले मेथड से प्रैक्टिस करेंगे तो आप सरकारी नौकरी प्राप्त करने के चांसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए 88 को 25 से गुणा करेंगे, तो बच्चे 25 को क्या लिख सकते हैं, हम लॉजिक से समझते हैं, 100/4, ठीक है। तो इसका मतलब कंसेप्ट क्या निकल के आया, किसी भी नंबर को अगर 25 से गुना करनी है तो उसके बाद में 2 0 लगाओ और 4 से भाग कर दो। अब 4 से भाग नहीं करना, 4 से भाग का मतलब क्या है भाई, 2 × 2 मतलब 2 बार याद कर दो, तो सब कुछ माइंड के अंदर सोचना है। तो 88 को 25 से भाग करना है, गुना करनी है सॉरी, तो क्या करेंगे, 2 0 लगाएंगे उसके बाद में और 2 बार हाफ कर देंगे। क्लियर है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो 88 के बाद में 2 0 लगाए 1800 का आधा कितना 4400 का फिर आधा कितना 2200, तो इसका आंसर कितना होगा भाई 2200। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए 64 की और 25 की मल्टीप्लाई करते हैं। स्टार्टिंग में मैं छोटे एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो किसी भी नंबर को 25 से गुणा करने का लॉजिक क्या है, 2 बार 0 लगाएंगे, तो 64 के बाद में 2 बार 0 लगाएंगे कितना हो जाएगा भाई 6400, और उसका 2 बार हाफ कर देंगे, 1 बार हाफ करेंगे कितना 3200, दोबारा आप करेंगे कितना 1600, तो आंसर कितना भाई 1600। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को।
तो 25 से गुना करने के लिए क्या करेंगे, दो जीरो लगाएंगे, दो बारी आप। 5 से गुना करने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे और एक से आप, एक बारी कर देंगे आप। अब बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल 125 से गुना करेंगे, नंबर कोई भी ले लीजिए, मैं 88 ले रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो आपको पता है आप 125 को लिख पाएंगे 1000 बटा 8, 1000 बटा 8 क्या होता है, 8 से काटेंगे 125 ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, 125 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे भाई, तीन जीरो लगा देंगे जिस उस नंबर के बाद में, और 8 से भाग करेंगे। 8 से भाग नहीं करना, 8 से भाग का मतलब क्या, 2 गुना में 2 गुना में 2, मतलब 3 बारी आप। तो किसी भी नंबर को 125 से गुणा करने का लॉजिक क्या निकल के आया, उसके बाद में 3 जीरो ऐड कीजिए और 3 बारी आप कर दीजिए, 88,000 हो गया भाई। 88,000 का एक बारी आप, 44,000, दोबारा आप, 22,000, 3 बारी आप करेंगे तो आंसर कितना होगा भाई, 11,000 इसका करेक्ट आंसर है। जो काफी मुश्किल मल्टीप्लाई होती उसको हम इस मेथड से आसानी से आंसर लिख पाएंगे, 11,000। उम्मीद आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको खुद ओरली प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल 64 की एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, 3 जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे तो कितना, 64,000, उसका 3 बारी आप करेंगे, फिर 64,000 का आप 32,000, 32,000 का दोबारा आप करेंगे 16,000, 16,000 का फिर आप करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा बच्चे, 8,000। यूं आप माइंड में लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पेन और पेपर जितनी देर एग्जाम में आप उठाओगे उतनी दूर आप सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे जितना हम पेन ज्यादा चलाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पेपर में हमें पेन कम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते कंसेप्ट को। देखिए अब बात करते हैं, मान लीजिए 88 की 625 से मल्टीप्लाई करनी है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बढ़ाते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं। 88 को 625 से मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए 625 को क्या लिख पाएंगे हम, 10,000 बटे 16, क्लियर है। इसको आप सोल्व करोगे तो 625 ही आएगा। तो किसी भी नंबर को 625 से गुणा करने के लिए क्या करना है, उसके बाद में 4 जीरो लगानी है। अब 16 का मतलब क्या है भाई, 2 गुना 2 गुना 4 बारी 2 होगा, तो 16 से भाग नहीं करना है, 16 से भाग का मतलब उसका 4 बारी ऑफ करना है, कितनी बारी ऑफ करना है, 4 बारी। तो 88,80,000 का ऑफ करेंगे तो 440 440 का फिर आप करेंगे 220 220 का फिर आप करेंगे 100 110,000, और फिर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 55,000, इसका क्या होगा करेक्ट चॉइस। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली इस कंसेप्ट को ताकि कोई भी दिक्कत आपको फेस ना करनी पड़े। 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करोगे भाई, एक जीरो लगाओगे और एक बारी ऑफ कर दोगे 25, क्योंकि ये 5 की पावर 2 है, तो 2 जीरो लगाओगे और 2 बारी क्या कर दोगे आप। किसी नंबर को 125 से गुना करनी है तो 3 जीरो लगाओगे उसके बाद में और 3 बारी क्या कर दोगे भाई इसका आप, क्लियर है। और इसी प्रकार 625 से गुना करनी है तो क्या कीजिएगा, 4 शून्य लगाइए उसके बाद में और 4 बारी क्या कर देंगे उसका हम आफ। इस टाइप से आप प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी नंबर को 5 से 25 से 125 से 625 से, 5 की पावर है सारी, तो इनसे आप क्विकली मल्टीप्लाई कर पाएंगे। फिर भी आप मैथ्स के अंदर कोई भी परेशानी फेस कर रहे हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप। और जो बच्चे हिसार या उससे आसपास है उनके लिए हम स्पेशल स्पेशल मैथ के बैच लाते हैं, उन बैच की जानकारी लेने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 9963-69417। ये क्लासेस सिर्फ हिसार हरियाणा में ही चलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा जो कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता वो ट्रिक घर बैठे अपने स्मार्टफोन से इनको देख पाए और वो भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाए।